हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन. डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1B. ओके, सो लेट्स बिगिन इट. सो लेट्स स्टार्ट. आवर टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन सीखेंगे हम इंटीजर्स का. पहले हमने क्या सीखा था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन. अब हम क्या सीखेंगे? मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. ठीक है, देखिए, हमने प्लस माइनस में ये रूल सीखा था. प्लस माइनस माइनस, देन माइनस प्लस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस, एंड प्लस प्लस विल बिकम माइनस. ठीक है, तो हम यहाँ पर भी रूल्स ये अप्लाई होता है. मल्टीप्लीकेशन से ही ये रूल्स बने हैं. देखिए, हमने टू इंटीजर्स लिए हैं. पहला क्या है? माइनस सिक्स और माइनस थ्री. हम उन्हें क्या कर रहे हैं? पहले हम मल्टीप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई. ठीक है, दो नंबर्स का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. कौन कौन से इंटीजर लिए हैं हम? माइनस सिक्स एंड माइनस थ्री. तो देखिए, पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. हम सिक्स का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? थ्री टाइम्स. सो सिक्स वन जो सिक्स, सिक्स टू जो ट्वेल्व, सिक्स थ्री जो 18. हमारे पास 18 आ गया. ठीक है, अब हम साइन देखते हैं. हम क्या पढ़ते थे प्लस माइनस में? हम इसके हिसाब से साइन लगाते थे कि क्या लगाते थे हम इसके? हम जब कॉमन नंबर होता था, कॉमन साइन होता था, तो हम वही साइन लगाते थे. और अगर डिफरेंट साइन होता था, तो हम क्या करते थे? जो ग्रेटर नंबर के पास जो साइन होता था, वही आंसर में भी साइन लगता था. देखिए, जैसे हम यहां लिखते थे माइनस टू प्लस माइनस टू. ठीक है, तो हमारा जो आंसर आता था, पहले हम क्या करते थे? ब्रैकेट ओपन करते थे, माइनस टू, देन प्लस माइनस बिकम्स माइनस टू, देन माइनस माइनस क्या करते थे हम? प्लस कर देंगे. सो फोर आता था. और जो कॉमन साइन है, देखिए, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, तो हम आंसर में क्या लगाते थे? माइनस लगाते थे. पर यहां पर देखिए, ये रूल नहीं होगा. ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है. पर अगर हम मल्टीप्लीकेशन और डिविजन की बात करें, तो हम इसके हिसाब से आंसर पे साइन लगाएंगे. देखिए, दोनों नंबर्स पे क्या है? माइनस का साइन है. सो माइनस माइनस, देखिए यहां पर क्या होता है? माइनस माइनस विल बिकम प्लस. तो जो हमारा आंसर पे कौन सा साइन होगा? प्लस का साइन होगा. ठीक है, प्लस के साइन को हम यहाँ पर नंबर के पहले शो नहीं करते. अगर ये 18 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके साथ कौन सा साइन है? प्लस का साइन है. ठीक है, ओके. सो सी हियर, अगर हम इंटीजर लेते हैं प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस फोर, अगर हम डिफरेंट साइन लिए, देखिए क्या लिए हम? प्लस टू और माइनस फोर. तो पहले हम तो मल्टीप्लाई कर लेंगे. फोर, टू का टेबल हम फोर टाइम्स पढ़ेंगे. सो टू वन जो टू, टू टू जो फोर, टू थ्री जो सिक्स, एंड टू फोर जो एट. एट आ गया हमारे पास. अब हम क्या देखेंगे? साइन. साइन कौन सा लगेगा देखते हैं. यहाँ प्लस है और एक में माइनस है. सो प्लस माइनस क्या होता है? यहाँ पर रूल पे देखिए, प्लस माइनस बिकम्स माइनस. तो हम आंसर में भी कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस. ओके, अंडरस्टैंड? अब हम देख लेते हैं कैजुअल सा रूल, ऑड नंबर. क्या बोलेंगे हम इसे? ऑड नंबर रूल. ठीक है, अगर हमारे पास माइनस साइन है, और वो कितने टाइम्स है? ऑड नंबर टाइम्स है. हमें पता है कि ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं? वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, इलेवन, थर्टीन, फिफ्टीन, एंड कैरी ऑन. ओके, सो अगर हमारे पास माइनस साइन ऑड नंबर टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो हमारा आंसर जो होगा वो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. और अगर वहीं पर जो माइनस साइन है वो इवन नंबर टाइम्स आ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस पे आएगा. देखिए, यहाँ पर माइनस वन है, फिर माइनस वन है, देन माइनस वन है. तो हमारे पास माइनस साइन कितने हैं? देखिए, गिनिए, वन, टू एंड थ्री. थ्री है, तो थ्री क्या होता है? ऑड नंबर होता है. तो हमारा आंसर इसका क्या आएगा बताइए? माइनस पे आएगा. ओके, देन अब इवन नंबर पे देखें, तो देखिए, माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, फोर टाइम्स है. फोर टाइम्स इवन नंबर, मतलब फोर टाइम्स माइनस ऑकर कर रहे हैं. तो फोर क्या है? इवन नंबर है. तो हमारा आंसर जो होगा किसमें होगा? पॉजिटिव होगा. ओके, सो लेट्स सी एग्जांपल नंबर वन. फाइंड ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स. हमें सबका क्या करना है? प्रोडक्ट्स निकालना है. मतलब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 40 इंटू माइनस 7. क्या दिया हुआ है? एक 40 क्या है? प्लस साइन है. 40 के पास कौन सा साइन है? प्लस है. और 7 के पास माइनस साइन है. ओके, अब देखिए, हम सॉल्व करते हैं. पहले 40 इंटू 7 पहले हम अलग से कर लेते हैं, फिर हम साइन का देखेंगे. ठीक है, सो 40 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है,
सेवन जीरो जा जीरो, सेवन फोर जा टेबल पढ़िए, सेवन वन जा सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट। तो हमारा आंसर कितना आया 280, मतलब 280। ठीक है, हमने आंसर लिख दिया। अब हमें क्या देखना है, साइन देखना है। तो हमारा एक नंबर प्लस है और एक नंबर माइनस है, तो रूल के हिसाब से क्या होता है, प्लस माइनस विल बिकम माइनस। तो हमारा आंसर किस पे आएगा, माइनस पे आएगा। सो माइनस 280, आंसर विल माइनस 280। ठीक है, ऐसे ही हमारे यहाँ सारे क्वेश्चंस के क्या करना है, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। देन एग्जांपल नंबर टू, कंपेयर माइनस टू माइनस फाइव, मल्टीप्लाई माइनस सिक्स एंड माइनस टू प्लस माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस सिक्स। हमें यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इसे कंपेयर करना है, मतलब कौन इसमें से बड़ा है, कौन इसमें से छोटा है, मतलब ग्रेटर एंड स्मॉलर। ठीक है, देखिए हम पहले फर्स्ट इस तरफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन इस तरफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए माइनस टू माइनस फाइव फर्स्ट क्वेश्चन, देन मल्टीप्लाई माइनस सिक्स, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले हमें बॉड मास रूल क्या जानना होगा, बॉड मास क्या है, देखिए ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, डिवाइड वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, मतलब पहले हम डिवाइड करते हैं, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, देन ऐड करते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है उसमें हमारे पास डिवाइड भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है, ऐड भी दिया हुआ है और सब्ट्रैक्शन भी दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, देन एड सॉल्व करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन है माइनस टू माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस सिक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या करेंगे इसमें, पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में देखिए माइनस टू एंड माइनस फाइव हमने क्या पढ़ा था बताइए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस करेंगे हम इसको, फाइव प्लस टू इज इक्वल्स टू सेवन, साइन कौन सा लगेगा, देखिए माइनस है और माइनस है, कॉमन साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस सेवन, देन मल्टीप्लाई माइनस सिक्स। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते, देखिए सेवन सिक्स जा सेवन का टेबल हम अगर सिक्स टाइम पढ़ते हैं तो क्या आएगा, फोर्टी टू। ठीक है, और साइन हम क्या देखेंगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, प्लस, तो हम प्लस को शो करते हैं नहीं, सो आंसर विल बी 42। हमारा इस साइड का आंसर क्या आया, 42। ओके, देन अब हम इस साइड को सॉल्व करेंगे, सो माइनस टू प्लस माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस सिक्स। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमने ये बॉड मास रूल देखा, तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर कहीं डिवाइड है, नहीं है, मल्टीप्लाई है और एड है, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो सिक्स इंटू फाइव क्या होगा, थर्टी, थर्टी होगा, और माइनस है और इसके पास भी माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस, प्लस थर्टी। ओके, आंसर विल बी प्लस थर्टी। अब हमारे पास यहाँ माइनस टू तो है ही पहले से, माइनस टू प्लस थर्टी। ओके, माइनस टू प्लस थर्टी को हम अगर सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या होगा, इसके पास माइनस है इसके पास प्लस है, सो प्लस माइनस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इसको माइनस कर दीजिए, थर्टी में से टू को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ट्वेंटी एट। अब साइन कौन सा लगेगा बताइए, जो ग्रेटर नंबर के पास जो साइन होगा वो साइन हम आंसर में लगाएंगे, तो ग्रेटर नंबर देखिए टू है या थर्टी, थर्टी है ग्रेटर नंबर, उसके पास कौन सा साइन है, पॉजिटिव, मतलब प्लस का साइन है, तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा। ठीक है, तो प्लस साइन को हम शो नहीं करते, तो आंसर विल बी 28। देखिए आंसर यहाँ पर क्या आया है, 28। ठीक है, तो अब बताइए इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, हम तो हम इजिली बता सकते हैं 42 है ग्रेटर कि 28, 42 इज ग्रेटर, सो दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन दिस नंबर। ओके, देन एग्जाम्पल नंबर थ्री, यूज द नंबर लाइन टू वर्क आउट माइनस सेवन इंटू टू। हमें नंबर लाइन का यूज करके इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हमें इजिली मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता तो हम तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते थे, सेवन टू जा फोर्टीन,
और कौन सा साइन लगता, देखिए 2 के पास प्लस साइन है, 7 के पास माइनस साइन है, तो प्लस माइनस बिकम्स माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाता माइनस 14। पर अगर हमें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पर हमें यहाँ क्या बोला जा रहा है, नंबर लाइन पे शो करना है हमें, तो देखिए माइनस 7 है तो हम कौन सा साइड लेंगे, नेगेटिव साइड लेंगे, मतलब जीरो के लेफ्ट साइड हम सॉल्व करेंगे। सो जीरो के लेफ्ट साइड देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं जीरो, देन माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, देन माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, माइनस 8, माइनस 9, माइनस 10, माइनस 11, माइनस 12, माइनस 13, माइनस 14। हमने ये इंटीजर्स लिख लिया नेगेटिव। अब देखिए हमें माइनस 7 टू टाइम्स मूव करना है, तो पहले हम फर्स्ट जीरो से काउंट करते हैं माइनस 7 कहाँ तक है, ये तो हम देख ही पा रहे कि माइनस 7 यहाँ है, तो फर्स्ट हम जंप करके माइनस 7 के पास आएंगे, फिर हम माइनस 7 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर हम माइनस 7 इधर काउंट कर जाएंगे, ठीक है। माइनस 7 हमें कितने टाइम्स जंप करना है, टू टाइम्स, सो हमने फर्स्ट टाइम किया देन सेकेंड टाइम किया, तो हमारा एरो कहाँ तक आके पहुंचा, देखिए माइनस 14 पे, सो आंसर विल बी माइनस 14, ओके। देन एग्जाम्पल नंबर 4, आंसर ट्रू और फॉल्स, हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये सही है, सही क्वेश्चन है या गलत क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इज फॉर ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स ए एंड बी, a into b is always greater than either a or b, okay? See here, अगर यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, मतलब a और b जो है वो जीरो नहीं है और कोई इंटीजर्स हैं, तो जो a into b होगा वो क्या a और b से बड़ा हो सकता है, तो अगर हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर a और b माइनस में है मतलब नेगेटिव इंटीजर है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो ए और बी से स्मॉलर भी हो सकता है, तो ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स, फॉल्स बिकॉज इफ ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो प्रोडक्ट, देन द प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन बोथ ए एंड बी, तो हमारा प्रोडक्ट जो है ए और बी से ग्रेटर होगा, बट इफ आइदर ऑफ ए एंड बी इज अ नेगेटिव इंटीजर देन द प्रोडक्ट विल बी स्मॉलर देन ए एंड बी, जब पर हमारा जब ए एंड बी नेगेटिव इंटीजर होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ए और बी से छोटा होगा, ठीक है। सी हियर, अगर हम पहला ए ले लेते हैं, प्लस में लेते हैं प्लस 3 मल्टीप्लाई प्लस 2, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए 3 2 6, देन प्लस प्लस बिकम्स प्लस, तो हमारा ये प्लस में ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो हमारा ए और बी से 6 बड़ा है, तो यहाँ पर कंडीशन में जब हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा तब हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा, पर अगर हमारा ये कंडीशन नेगेटिव में आ गया माइनस 3 इंटू माइनस 2, ओके, नेगेटिव इंटीजर हो गया, ए एंड बी इज नेगेटिव इंटीजर, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, नेगेटिव इंटीजर एक क्या बोल रहा है कि इसमें से कोई भी एक अगर नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो अगर हम माइनस 3 ले लिए और प्लस 2 ले लिए, तो देखिए क्या आता है, 3 2 6 आया, और कौन सा साइन लगेगा, देखिए माइनस प्लस, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, सो हमारा आंसर नेगेटिव में आ सकता है, अगर ए और बी में से कोई भी नंबर नेगेटिव होगा तो हमारा आंसर नेगेटिव आ सकता है, मतलब ए और बी से छोटा हो सकता है, तो ये कंडीशन क्या है, रॉन्ग है, मतलब फॉल्स है। सो लेट्स सॉल्व सम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1B, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मतलब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ओके। सो हम फर्स्ट का कौन सा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन, ओके, माइनस 845 मल्टीप्लाई बाय 12, हमें क्या करना है, माइनस 845 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पर 12 क्या है, पॉजिटिव है, और 845 क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, तो अब हम पहले तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम साइन का देखेंगे, तो पहले चलिए 845 से 12 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले हम 2 से करेंगे, 2 5 10, कैरी आई 1, 2 4 8 प्लस 1 9, देन 2 8 16, ओके, देन 1 कट, 1 5 5, 1 4 4 एंड 1 8
8 हमने मल्टीप्लाई सीखा है, फिर हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। सो 0 9 5 14 कैरी 1, 6 4 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 8 1 9 प्लस 10 आंसर क्या आया 10140। ओके, हमारा ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का आंसर है, अभी हमें साइन भी चेक करना है। ओके, तो देखिए 845 के पास कौन सा साइन है, माइनस, और 12 के पास कौन सा साइन है, प्लस। सो प्लस माइनस बिकम्स माइनस, सी हियर प्लस माइनस बिकम्स माइनस। तो 10140 के पास कौन सा साइन आएगा, माइनस, आंसर पे कौन सा साइन होगा, माइनस। ठीक है, आंसर विल बिकम -10140 मींस -10140। ओके, सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट्स ही फाइंड आउट करना है, मतलब सिर्फ यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई करना है और साइन को हम जो फोर रूल्स पढ़े हैं उसके हिसाब से साइन को लगाना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तक आप सॉल्व करेंगे, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।